हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेके जा रहे हैं। बोलता है उसको भी डांटता है अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगर आगे बढ़ता है फिर चौथा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया ये 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी।